कैसे हो आप आशा है कि आप स्वस्थ होंगे चलो बेटा की वर्क क्लास फिफ्थ के मैथ्स की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर एक सौ इक्कीस डेट है तीस ग्यारह दो हज़ार इक्कीस टूटनाट बनाने टीचर का नाम लिखोगे बेटा सबसे पहले हमारे चित्र पहली देखे चित्र को जैसा बनाने को की कोशिश की गई थी परंतु तो बनाते समय चित्र दो में कुछ मिस्टेक हो गई आप किन्नी चार गलतियों को ढूंढ कर उठीजिए साझा कीजिए जैसे चित्र वन हमारा राइट है और चित्र दो में कुछ हमारी मिस्टेक्स आप देखते हैं बेटा सबसे फर्स्ट है इसकी टेल देखो यह डिफरेंस है वन मिस्टेक टू मिस्टेक यहाँ पे जो डाउट uh, है वो नहीं है टू इसके आई इसके पास जो सर्कल है ये नहीं है ये लिव में भी डिफरेंट है बेटा ये मिस्टेक्स, अब आगे देखते हैं वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल रोहन की अध्यापिका ने आज एक वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज में बच्चों को एक आकृति बनाने के लिए कहा रोहन और फिरोजा ने इस प्रकार चित्र बनाए हैं फिरोजा का चित्र ऐसे है और रोहन का चित्र ऐसे है ठीक है बेटा अध्यापिका ने जी ने कहा इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका चित्र बड़ा है फिरोजा और रोहन दोनों को ही अपना चित्र बड़ा लग रहा था अध्यापिका ने समझाया हमें बड़ी आकृतियों का पता लगाने के लिए हमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना हो यानी एरिया निकालना होगा इसके लिए हमें आकृति के अंदर आयसा भी वर्गो गिनना होगा जैसे कि में दिखाया से है? इसके के चारों तरफ। एरिया होता है हमारा एरिया तो हमें क्या इसका एरिया निकालना है जैसे यहाँ पर बॉक्सिस किए कितने हमारे यहाँ पे एटीन और इसमें काउंट करने जरिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये भी क्या है एटीन आप क्षेत्रफल क्या एक सम आकृति समतल कागज पर कुल कितना स्थान घेर रही है वह उसका क्षेत्रफल होता है यानी ये पूरी जैसे ये जगह कितना स्पेस घेर रही है कितना एरिया कवर हो रहा है सारा यार हमारा एरिया अब आगे देखते हैं बेटा रोहन और फिरोजा ने जब अपने अपने आयत का चित्र पर निकाला तो उन्हें पता चला कि दोनों आयत के और ये दोनों बराबर है कितने बेटा यहाँ पे भी अठारह आया था यहाँ पे भी अठारह बॉक्सेस याद रहे कि ग्रिड का प्रत्येक हिस्सा एक, एक वर्ग सेंटीमीटर होता है बेटा जो इसके बॉक्स होता है वन कितना वन सेंटीमीटर का होता है स्केयर सेंटीमीटर का के دب से बना है अतः क्षेत्रफल गिनने के बाद वर्ग सेंटीमीटर अवश्य लिखे यदि आप क्या करती मीटर में नापी गई है तो आपका क्षेत्रफल साथ वर्ग या मीटर लिखना होगा आइए हम भी रोहन की प्रोजेक्ट सा दिए गया करती अलग-अलग आकृतियों के अलग -अलग चित्रफल का पता लगाते हैं है। बेटा यहां कुछ आकृतियां देखें इनको भी हमें पता लगाना है कि कौन कितने वर्ग सेंटीमीटर है जैसे बेटा ये दो बॉक्स है इसमें पहले इंस्ट्रक्शन है कि दो आधे वर्ग एक वर्ग में बनाते हैं आधे से कम है तो नहीं गिनेंगे और आधे से ज़्यादा है तो एक वर्ग माना जाएगा अब जैसे ये दो है तो ये बन गया हमारा वन लास्ट के दो हाफ हाफ़ है ये भी बन गया हमारा वन और यहाँ पर भी दो है हाफ हाफ इसको जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे वन और ये दो दो को जोड़ेंगे बन जाएगा प्लस वन बीच में देख कितने हैं हमारे वन टू थ्री फोर प्लस है फोर यानी फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो पहले चित्र में कितने हैं एट क्या लिखोगे आप वर्ग सेंटीमीटर मीटर अब सेकंड देखते हैं बी है जैसे हाफ ए है और हाफ ये कितना बन गया हमारा वन और टू हाफ ये बन गया प्लस का वन अब इसमें कितने हैं वन टू तो कितने हैं प्लस टू 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 कितना हो गया यहाँ पे फोर क्या लिखेंगे वर्क सेंटी मीटर ठीक है जी बेट ठीक है बेटा अब आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जैसे हाफ हम है हाफ और इस हाफ को हम जोड़ेंगे वन और ये और यहाँ पर भी थ्री है वन टू थ्री, थ्री 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 हाफ है यानी हमारा टोटल हाफ आप के सिक्स है तो थ्री बन जाएंगे पूरे फुल और बीच में कितने वन टू थ्री पूरे बॉक्स थ्री यानी सिक्स यहाँ सी में आएगा हमारा सिक्स सेंटी मीटर आप नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा डी ये दोनों हाफ आप मिलके मिल, मिल गए वन ये दोनों हाफ मिल के बन गए वन अब आप देखो एक हाफ ये है और एक हाफ ये है प्लस वन अब ये हाफ और ये हाफ बन के हो गया वन आप देखते हैं बेटा और बीच में हम देखते हैं कितने हैं? वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और प्लस में आते हमारा एट ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन फुल हमारे हैं यहाँ पे बैठे नाइन यहाँ पे कितने हुए नाइन कितने बैठे यहाँ नाइन तो हमारा एक बॉक्स रह गया है उसके लिए हम करते हैं हाँ और हमारा एक बॉक्स का आंसर रह गया जैसे हाफ ये है और हाफ ए वाला पोर्शन हाफ ये तो हमारा बन गया प्लस वन यानी नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितना बन गया डी का हमारा फोर्टीन वर्ग सेंटीमीटर ठीक है बेटा अब लास्ट वाला देखते हैं ई देखो पहले फुल वाले फिल कर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट एट तो ये है बेटा जो हमारे फुल है उसके बाद देखो आप ये है बिल्कुल हाफ से भी कम है इस बॉक्स को हम नहीं लगाएंगे ठीक है ये हाफ़ से ज़्यादा है तो इसको हम वन लगाएंगे इस वाले बॉक्स को तो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो लास्ट वाला जो ई है वो हमारे कितने बन गए नाइन वर्ग सेंटीमीटर ठीक है बेटा ये इसका आंसर आ गया आगे देखते हैं अभी भावले सुझाव ग्रिड कागज पर बनिया करती है कि चित्रफल निकालने बच्चे की प्रेरित कीजिए कोविड नाइन से में कोविड नाइन की लड़ाई में के लिए मास्क पहने चलो बेटा आज के वर्कशीट फिनिश होती है मिलते हैं बाय बाय